And there are some idiotic rumors going on about us after the CWG investigation has begun. Please, guys, we have nothing to do with Mr. Kalmadi or the Commonwealth itself. Neither is this show common, nor have we made any wealth. उन छुट्टियों की वजह से हमने कुछ कमाया तो नहीं, बस थोड़ा देश भर में सभी का हंसना हंसाना थोड़ा बढ़ गया है हमारी वजह से. As regarding rumors about us receiving some payment from Mr. Kalmadi, guys, अभी पूरी लिस्ट बाहर निकलने दो. 30,000 crore खर्च करना आसान नहीं होता है. I'm sure the list of fake companies that have received checks will have every permutation and combination of Jai, Hind, Bharat, India. You get the point? We have not made any money from the games. In fact, we haven't made any money at all. You could say we are the best example of free dumb of speech. Free fund hai bhai. आज हेलो हेलो का टाइम नहीं है, आज है टाइम सेलिब्रेशन का. एक तो आज सविता भाभी का बर्थडे है और दूसरा वरुण गांधी की शादी हो रही है. अरे सॉरी, मैं बोलना भूल गया. हाय गाइस, वेलकम टू जय हिंद. सॉरी, इतना मैं वो हड़बड़ाहट में था ना, आज दो तो यार सेलिब्रेशन से. हाँ, तो वरुण गांधी की कैलकटा की नेटिव यामिनी रॉय चौधरी के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई. सो उससे अरे हंस क्या रहा है, सच बोल रहा हूँ. सोर्सेस के द्वारा खबर ये मिली है कि इस न्यूज से सोनिया गांधी बिल्कुल खुश नहीं है, स्पेशली क्योंकि बैचलर राहुल शादी करने का नाम ही नहीं ले रहे. यार ये जोक मैंने पिछले महीने मारा था यार. तुम साला हर बात पे राहुल को खींच के क्यों लाते हो बहन. पूरे देश को यही बीमारी, हर चीज में राहुल 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 राहुल. अरे शादी हो रही है वरुण की, उसके ऊपर जोक लिखो ना. थैंक यू. हाँ, ऐसा है कि वरुण गांधी की शादी कलकत्ता की नेटिव यामिनी रॉय चौधरी से फिक्स हो गई है. अनफॉर्चुनेटली उनका घोड़ी पे चढ़ने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, बिकॉज घोड़ी पे चढ़ना इज फॉर्म ऑफ एनिमल क्रुएल्टी. वैसे इनविटेशन तो उन्होंने मुझे भी भेजा है, बट साला वेजिटेरियन वेडिंग पे कौन जाएगा. कुछ चिकन विकन मुर्गा शुर्गा हो यार तो मजा आ जावे यार. और अच्छा, सुनने में ये भी आया कि मेनका गांधी जो है वो फुल चिंदीगिरी पे उतर है. मतलब हाँ, मतलब पैसे बचाने के चक्कर में वेटर्स का काम जो है वो पीटा के वॉलंटियर्स कर रहे हैं. और गलती से अगर आप प्लेट में खाना खाते हैं तो यू हैव टू एंड अप बाइंग द सेम प्लेट, बिकॉज इट इज मेड बाय सम ब्लाइंड चिल्ड्रन फ्रॉम अनदर वन ऑफ हर चैरिटीज. ऐसा खैर, एंगेजमेंट के अनाउंसमेंट के बाद जब रिपोर्टर्स ने वरुण से पूछा कि एंगेजमेंट होने पे उनको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा अच्छा लग रहा है. I hope she doesn't say anything bad about Hinduism, you know. It would be a pity to chop those lovely hands wearing such a gorgeous ring. Unki statement nikalte hi satta bazaar mein karodon rupaye ki bets lag gayi ki Varun ki shaadi Rahul se zyada chalegi ya nahi. Gandhi nahi Mahajan. वैसे यामिनी चौधरी के गले में एक राम लल्ला का नेकलेस पहना दो, आई एम श्योर वरुण उन्हें 600 साल तक छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे. वैसे खबर ये भी है कि वरुण गांधी की एक बंगाली लड़की के साथ शादी. वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर कम करने की एक साजिश. कहाँ से कहाँ जोड़ दिया, मतलब कल को आप कहोगे कि अभिषेक ने ऐश्वर्या से इसीलिए शादी की ताकि और लोग उनकी फिल्में देखने आए. ना अच्छा चलो रहने दो, इसके ऊपर जितना कम बोले उतना ही अच्छा है. वैसे तृणमूल कांग्रेस से याद आया, ममता बैनर्जी को चाइना ने किसी वर्ल्ड रेल एक्सपो पे इनवाइट किया. अब चाइनीज लोगों का ममता बैनर्जी को रेलवेज का ज्ञान बांटने बुलाना इज लाइक कलमाड़ी टेकिंग एडवाइस फ्रॉम अ म्युनिसिपैलिटी चपरासी अबाउट चीटिंग. खैर जो भी हो, मेरी चाइनीज सिटीजन से एक ही गुजारिश है कि अगर आप लोग कुछ समझ पाए मैडम क्या बोल रही है तो हमें जरूर बता दें.
Finally, you guys will also realize na, ki what we felt while watching Crouching Tiger, Hidden Dragon. वैसे मुझे लगता है बंगाल इलेक्शन से पहले ममता को एक बार चाइना हो आना चाहिए. पता तो चले कि असली माओवादी होते कैसे. क्या हुआ आप सोच रहे? अच्छा अच्छा हाँ आप सोच रहे होंगे अरे सविता के बर्थडे का क्या हुआ. Stick around folks, we will be back after this short Manchurian break. Till then. रिसेंटली खबर आई है कि बॉलीवुड के अपने मिस्टर इंडिया श्रीमान अनिल कपूर मिशन इम्पॉसिबल 4 में विलन का रोल कर रहे हैं. नाउ वी विल बी ऑनेस्ट, आफ्टर मल्लिका शेरावत्स ह्यूज रोल्स इन प्रीवियस हॉलीवुड मूवीज, हमें चेक करना पड़ा कि ऐसे ही कोई टैक्सी ड्राइवर वगैरह का रोल तो नहीं है. सरप्राइज सरप्राइज, वो टॉम क्रूज के ऑपोजिट में मेन बैड गाय का रोल कर, यानी कि MI4 के कुलभूषण खरबंदा. अब भाई एक बात तो पक्की है, अनिल कपूर इस मूवी में है, मतलब जरूर कोई अरब टेररिस्ट का रोल ही करेंगे जो दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने के फिराक में. इनफैक्ट जय हिंद, आपके लिए फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन टेलीविजन मिशन इम्पॉसिबल 4 का एक्सक्लूसिव स्नीक प्रीव्यू लेके आया. आर यू रेडी? Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Now, wasn't that fantastic? We are also proud of you, Mr. Kapoor. रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार फेसबुक पे यूजर जनरेटेड ड्रॉ अ मोहम्मद के कारण वेबसाइट के सीईओ मार्क जकरबर्ग की लाइफ खतरे में है. लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया है और कह दिया है कि वो यहाँ आकर दिखा. अब ये पाकिस्तान वाले फतवा तो ऐसे लॉन्च करते हैं जैसे जुकरबर्ग 6 महीने से वीजा क्यू में खड़ा है कि मुझे पाकिस्तान जाना है, प्लीज मुझे पाकिस्तान जाना है. वैसे पाकिस्तान में अगर चांद की बजाय टूरिस्ट को देख के ईद का फास्ट तोड़ते ना तो पूरी पॉपुलेशन को सारी जिंदगी भूखा ही रहना पड़ता. बट स्टिल मार्क जुकरबर्ग अगर पाकिस्तान जाना चाहें तो ही शुड नॉट वरी, उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ISI एंड देयर सिक्योरिटी इज फुल प्रूफ. आई मीन जस्ट आस्क बेनजीर. मार्क जुकरबर्ग के बाद बात करें हमारे एक और अमेरिकन आइकन की, स्टीव जॉब्स. जी, स्टीव जॉब्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो चिली में फंसे हुए 33 माइनर्स को एक फ्री आईपॉड दे. चिंदीगिरी की भी हद होती है, मतलब ट्रैप थाउजेंड्स ऑफ फीट अंडरग्राउंड फॉर 69 डेज एंड ऑल यू गिव देम इज एन आईपॉड. उसमें गाने डालने के लिए साथ में कंप्यूटर तेरा बाप देगा. चलो शुक्र है आईफोन 4 नहीं गिफ्ट किया, बिना सिग्नल का फोन देख के शायद उन्हें माइनर्स को वो माइन की याद आ जाती है. इसीलिए मैं कहता हूं फेसबुक और आईफोन छोड़ो, ऑर्कुट और माइक्रोमैक्स जिंदा. कैच यू आफ्टर द ब्रेक. हाँ भाई दबे सुना ओ माइक्रोमैक्स वालों, कितनी आसानी से हमने प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर दिया. समझो बात को, समझो नजाकत को, समझो. स्पॉन्सर करो हमारा शो यार. सविता के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो तो प्लीज स्पॉन्सर करो शो नाउ. बजाओ
एंड जेंटलमैन, रिसेंटली खबर आई है कि फेसबुक पे अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए पाकिस्तान के हारे हुए जनरल मिस्टर परवेज मुशर्रफ जी पॉलिटिक्स में अपनी री एंट्री कर रहे हैं। इतने एक्साइटेड है कि उन्होंने अपनी पार्टी का लोगो भी बना लिया है। देखो एक तो ये पाकिस्तान में कितनी मुस्लिम लीग्स हैं यार, PML, PPML, JML, MLML। लगता है पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की क्वांटिटी इंडिया में गांधीज के नाम पे बनी बिल्डिंग से भी ज्यादा। एनीवे, सिंस मुशर्रफ साहिब को कोई पाकिस्तानी टीवी चैनल इंटरव्यू के लिए घास भी नहीं डाल रही, वी प्रेजेंट टू यू एन एक्सक्लूसिव विद द मैन हिमसेल्फ। चप्पलों के साथ स्वागत करें मिस्टर परवेज मुशर्रफ का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुमित, ग्लैड टू बी हियर। ठीक है, ठीक है। तो पहले ये बताओ, ये आपने इंग्लैंड में बैठे बैठे पॉलिटिक्स में एंट्री करने का कैसे डिसाइड किया? देखो सुमित, इसके काफी सारे जो है रीजन हैं। पहली बात, आजकल इंग्लैंड में पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तानी है। इनफैक्ट जस्ट यस्टरडे आई मेट मजर मजीद एंड दाऊद एंड वी प्लान्ड टू फिक्स बिलावल बिफोर ही फिनिशेस हिज डिग्री हियर। दूसरा, आपको पता ही है कि मुझे बैकडोर एंट्री करने की आदत है। आई हैव नवाज शरीफ वंस ऑलरेडी एंड नाउ आई हैव सेट माइसेल्फ अ हायर टारगेट ऑफ फकिंग ओवर द एंटायर कंट्री। आई वांट टू प्रूव कि इस मामले में मैं जरदारी साहब से बेटर हूं। एंड फाइनली, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिसबाउल हक जैसे घटिया प्लेयर को रिटायरमेंट से निकाल के फिर से कैप्टन बना सकती है तो मुझ में क्या कमी है भाई। एंड फाइनली, आपने देखा ही होगा कि मेरे फेसबुक पेज पे 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। सो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर मी। सर, फेसबुक पेज वो उदय चोपड़ा भी है फेसबुक पर और उसके भी 1 लाख फैंस हैं, बट पिक्चर देखने तो 10 आदमी से ज्यादा कोई आते नहीं। आप इसको कैसे इंश्योर करेंगे? सुमित, उसकी टेंशन आप ना लें, क्योंकि मेरी पार्टी के वर्कर्स ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि जो भी हमें वोट देगा उसको हम रोजमर्रा की जिंदगी की सारी सहूलतें मुहैया कराएंगे, वो भी फॉर फ्री। रोटी, कपड़ा और मकान? नहीं 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 सुमित, आई मेंट बुलेट प्रूफ जैकेट, AK-47 और एक सलवार कमीज। एक और बात, आप सिर्फ इंडियन मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? इट सीम्स कोई भी पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स आपको ज्यादा भाव नहीं दे रहे। क्या बकवास है? देखो, ये सब प्लान है। पाकिस्तान में रेलेवेंट होने के लिए पहले इंडिया में रेलेवेंट होना पड़ता है। जैसे कि दाऊद इब्राहिम, वो पहले इंडिया में फेमस हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में फेमस हुआ है। मैं भी वही ट्रिक अपना रहा हूं बस। ऐसा तो नहीं कि आप पाकिस्तान जाने से डरते हैं, आपकी फटती है? बकवास, हम क्यों डरेंगे? हमारे बाप ने डरना नहीं सीखा किसी से। मम्मी, अरे लो, ये देखो, ये देखो, लगता है यहां से भी भाग गए। क्या आदत से मजबूर आई गेस। एनीवे, ब्रेक के बाद फाइनली मिलेंगे सविता भाभी से इन हर बर्थडे सूट। सविता आज अपना बर्थडे मना रही है, तो सीधे डायरेक्टली चलते हैं सविता के पास। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। हैप्पी बर्थडे सविता, क्या व्हाट आर यू ब्लोइंग? ओ बोपू, ओके ओके। मेरा बर्थडे प्रेजेंट किधर है? वेल, दैट्स अ सरप्राइज, मैं तुम्हें खुद आके दूंगा प्राइवेट में। आई लव सरप्राइजेस,
लेकिन मुझे पिछले साल का वो डॉटेड विद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं आया। यू नो ना हाउ आई लाइक ऑल थिंग्स नेचुरल टेस्ट वाइज एंड फील वाइज। नहीं नहीं सविता, इस साल के सरप्राइज में तुम्हें ओरिजिनल रिब्ड चीज ही मिलेगी। तो बताओ सविता, आज तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम क्या सेक्सी सॉल्यूशन देने वाली हो? यस, आज मेरा बर्थडे है तो मैं हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को रॉकिंग बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसका सेक्सी सॉल्यूशन देने वाली हूँ। वाह 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 सविता, मेरा भी बर्थडे अगले हफ्ते आ रहा है, प्लीज जल्दी से बर्थडे सेलिब्रेट करने का सेक्सी सॉल्यूशन बताओ। बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। अरे वही तो है, और सब्र नहीं किया जाता, ये सब्र करते करते मैं राज बब्बर हो गया। बैड जोक। ठीक है, जैसे किसी भी सक्सेसफुल प्रोग्राम के पीछे एक कांस्टेंट थीम होती है, वैसे ही बर्थडे को मजेदार और यादगार बनाने के लिए थीम का होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैसे सविता, तुम्हारी आज की बर्थडे पार्टी यादगार और मजेदार बनाने के लिए तुमने कौन सी थीम चूज की? इस बार मेरे बर्थडे का थीम है कॉस्ट्यूम मैलफंक्शन। सविता, तुम्हारा पल्लू। इट्स ओके सुमित, बर्थडे पार्टी का थीम है। मान लिया सविता। और बताओ रॉकिंग बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए टिप्स। नए इनोवेटिव गेम्स को सोचो, म्यूजिकल चेयर्स की जगह खेलो म्यूजिकल बेट्स, ट्रूथ और देर की जगह खेलो स्ट्रिप और बेर। अपने इमेजिनेशन के घोड़े को खुला छोड़ दो। एक और बात सुमित, पार्टी में म्यूजिक की चॉइस में थीम का प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन होना चाहिए। चलो कोई एग्जांपल देके एक्सप्लेन करो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये सुनो, गाना है ना, जरा जरा टच मी, जरा जरा किस मी। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, ये गाने पर लोग मस्ती से झूमेंगे और एक दूसरे को छुएंगे। वार्डरोब ऑटोमेटिकली मैलफंक्शन तो होना ही है, फंक्शन नहीं फंक्शन। यही है ना मेरी पार्टी के लिए थीमेटिकली करेक्ट सॉन्ग। मान गए सविता, तुमको मान गए। और भी है सुमित, तुम्हारी पार्टी को और भी रॉकिंग बनाने के लिए यू शुड गेट रियली हॉट डांसर्स। मैंने हॉट आईपीएल चीयर लीडर्स को बुला लिया है। जा, लेकिन सविता डांस करते करते अगर वार्डरोब माल फंक्शन हो गया तब तो डबल मजा है। अच्छा सविता, अब सबसे इंपॉर्टेंट बर्थडे आइटम के बारे में बात करते हैं, बर्थडे केक कैसे चूज किया जाए? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस सुमित। जैसे माय बर्थडे केक लुक्स लाइक द लीनिंग टावर ऑफ पिसा, ऑफ द राइट लेंथ, राइट एंगल एंड द राइट डायमीटर। समझे? समझने वाले को इशारा ही काफी है। वेल सुमित, मुझे अब जाना होगा क्योंकि मेरे बर्थडे केक काटने का टाइम हो गया। ओके गाइस, मुझे भी यहाँ रुकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सविता वेट फॉर मी। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, काश सविता अपने बर्थडे में अपना बर्थडे सूट पहनती तो सबका पुनर्जन्म हो जाता है ना। रिमेम्बर ए कमीनो, दिस इज अ क्लीन प्योर शो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ भाई, जय हिंद।